हमारे जीवन में सबसे कठिन जो समय रहता है जीवन की अवस्थाओं में से वो रहता है टीनेज जो समय रहता है। हमारे अगले जो वक्ता है डॉक्टर सुषमा बेन देसाई। सुषमा बेन सूरत से ही है, पीडियाट्रिशियन है, सूरत पीडियाट्रिक एसोसिएशन के 2070 में प्रेसिडेंट रहे हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी सूरत और पेरेंटिंग फॉर पीस के भी फाउंडर मेंबर है। एडोलेसेंट अवस्था में बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उनको कैसे टेकल करना, पूरे देश में, भारतवर्ष में उनका प्रवास रहता है, वो ट्रेनिंग देती हैं। आज हमारे साथ सुषमा बेन राइजिंग रेजिलिएंट चिल्ड्रन इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। सुषमा बेन, कुछ समय पहले के दो किस्से याद आ रहे हैं मुझे। एक डॉक्टर कपल का बेटा था, वो 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहा था। अब स्कूल में प्री बोर्ड जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होती है ना, उसमें अनफॉर्चुनेटली बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए। तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, अब एक एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, वो बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल रोता है, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए तैयार ही नहीं, मना कर रहा है कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। हालांकि 1.5-2 महीने का टाइम भी होता है बीच में, लेकिन फिर भी ही वॉज एडमेंट, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव एग्जाम्स। अनदर इंसिडेंस हुआ था, 12th कॉमर्स का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, तो एग्जाम के दिन ही मॉर्निंग में हिज फादर मेट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट, वो पेपर में भी आया था। अब मिडिल क्लास फैमिली है, पूरा साल बिगाड़ने का एफर्ट नहीं कर सकते, माँ की सूझबूझ और बेटे की हिम्मत, बेटा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देके आता है और अपने पिता का अग्नि संस्कार करता है। यहां पे डिफरेंस क्या है दो बच्चों में? डिफरेंस, यस, डिफरेंस लाइज इन एबिलिटी टू फेस द डिफिकल्टीज, डिफरेंस लाइज इन एबिलिटी टू मैनेज दोज इमोशंस। स्ट्रेस होता है, सैडनेस होती है, डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, जो इमोशंस है उसे मैनेज करने की जो क्षमता है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन, जो क्षमता है उसे रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस क्या है? इट्स जस्ट नॉट अ कैपेसिटी, इट्स पूरा एक वर्च्यू का बंच है दैट हेल्प्स अस टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन। नॉट ओनली दैट, इट हेल्प्स अस टू यू नो मेक, इट हेल्प्स अस टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। आप एक स्टेप लीजिए और देयर इज अ चैलेंज। तो रेजिलियंस क्या है हमें? इट्स ए, हिंदी में जिसे कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी का मतलब है टिके रहना, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी और अच्छी सिचुएशन में भी। हम बहुत अच्छे कुछ मार्क्स ले आते हैं, एडवांटेजेस पोजिशन में होते हैं, तो वहां से भी नीचे आना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे हम हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो या तो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, अपनी बेसलाइन को टच करना जरूरी है। ये जो कैपेसिटी है उसे कहते हैं रेजिलियंस, है ना। तो जब हम बच्चे को रेजिलियंस सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं उसे रफ एंड टफ बनाओ, इसका मतलब ये है कि बच्चे को परिस्थिति के सामने जूझने की ताकत देना है, और जो परिस्थितियां हैं, चाहे सैड है या अच्छी है, उसमें जो इमोशंस क्रिएट होते हैं वो इमोशंस मैनेज करने की प्रक्रिया है, वो सिखाना है, उसे रेजिलियंस कहते हैं। तो रेजिलियंट बच्चे या रेजिलियंट इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं,
उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. सबसे पहले दे आर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट. दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटरडिपेंडेंट है. क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है. तो इट्स अ इंटरडिपेंडेंट क्वालिटीज विच दे हैव. दे आर एक्सट्रीमली एडेप्टेबल एंड मोल्डेबल. एक बच्चा है जो करीबन 10 साल का बच्चा है, उसके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब है. तो अभी तक उसकी लाइफ में उसके फादर की 7 ट्रांसफर हो गई है. आप समझ सकते हैं 10 साल में 7 बार. अब ये बच्चा हर जगह पे नए एनवायरमेंट में नए दोस्तों के साथ एडजस्ट होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आफ्टर 10th अगर 12th के लिए दूसरी स्कूल में जाएंगे तो उनका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं एक्सट्रीमली एडेप्टेबल एंड मोल्डेबल, दे आर कॉल्ड रबर बैंड किड्स. रबर को आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच होगा, मुट्ठी में रखेंगे तो छोटा हो जाएगा. मुट्ठी रिलीज करो, स्ट्रेच रिलीज करो, वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएंगे. दे मेंटेन देयर बेसलाइन. देन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. एक लड़का था, मैं उसे जानती हूँ, बहुत अच्छा बैट्समैन. अब उसकी जो सिलेक्शन मैच होती है उस दिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही बॉल में 0 में आउट हो गया. अब सोच सकते हैं बच्चा बहुत निराश हो गया. तो वो निराश बच्चा क्या सोचता है, कोई बात नहीं, मैं इसमें अगर नहीं हुआ मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज है, मैं बहुत अच्छी फील्डिंग करूंगा, दे विल सिलेक्ट मी. एंड ऐसा ही हुआ. देन दे हैव अ रियली वेरी गुड सोशल स्किल्स. छोटा बच्चा है, उसकी मदर ओनली पेरेंट, सिंगल पेरेंट है, काम करने जाती है, वो कभी अपने केयर टेकर के पास कभी रिलेटिव्स के पास छोड़ के जाती है. ये बच्चा हर जगह पे बहुत अच्छी तरह से घुलमिल जाता है, किसी को बर्डन नहीं देता. वो इतने छोटे से बच्चे में इतनी अच्छी सोशल स्किल्स है. दूसरा, दे लव देयर लाइफ. ईच वन ऑफ अ लव अवर लाइफ. जो सुसाइड करने जाता है वो भी अपनी लाइफ से ऊब के सुसाइड नहीं कर रहा है. वो लाइफ में आए हुए जो प्रॉब्लम्स है उसे फेस नहीं कर पा रहा है या हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसकी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सुसाइड करने पे जाता है. तो इन बच्चों में चैलेंज फेस करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है, दैट इज वाई दे लव देयर लाइफ. वो कभी सुसाइड नहीं करेंगे, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे. तो दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक उनमें होती है, एंड दैट इज ह्यूमर. एक मेरे दोस्त है, बहुत यू नो डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो पूरी जिंदगी उसमें से पास हुए हैं. तो मैं लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि ही मैट विथ एन एक्सीडेंट, पूरे 4 लिम्ब में फ्रैक्चर थे. मैं उनको मिलने गई, मैंने पूछा हाउ डू यू फील, वो सरकमस्टेंसेस आई कुड सी बहुत पेन हो रहा था. तो ही स्माइल्ड एंड ही टोल्ड मी, ऐसा लग रहा है जैसे भीष्म पितामह बाणशैया पे सोए हुए हैं. तो दिस इज द एटीट्यूड इन नटशेल. दे फोकस ऑन व्हाट दे कैन डू. हम क्या कर सकते हैं वही सोचते रहते हैं. मुझे ये हेल्प करेगा तो मैं कर पाऊंगा, ऐसे सरकमस्टेंसेस ऐसा नहीं सोचते हैं. हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, दे ऑलवेज हैव सम गोल इन देयर लाइफ. कुछ ना कुछ गोल सेट होता है और वो गोल को पाने के लिए वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है. दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन सब कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चों में जन्म से होती है. जब बच्चा जन्म लेता है, माँ की कोख से पैदा होता है, तो उसे अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने हेड को मोल्ड करना पड़ता है. दैट मीन्स रेजिलियंस तो वहां से दे के भेजा है हमें. फिर कहां भी गड़बड़ी हो रही है, क्या गलत हो रहा है, क्यों सुसाइड के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, क्यों डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, क्यों बच्चे इंटॉलरेंट होके वायलेंस पे उतर जाते हैं, अग्रेशन करने लगते हैं, व्यसन करने लगते हैं. प्रोबेबली देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अवर पेरेंटिंग स्टाइल. कुछ परवरिश में गड़बड़ है. सबसे पहला, हम उनको डिफिकल्टी फेस ही नहीं करने देते. हाँ, एक फादर था, वो उसके बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहा था. अब बच्चा स्कूल पे घर पे टेक्स्ट बुक भूल गया. वो फादर ने क्या किया, नई टेक्स्ट बुक खरीद ली शॉप से और उसे दे दी, क्योंकि स्कूल में उसे प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, अब हो सकता था वो बच्चा स्कूल में जाके कोई फ्रेंड की बुक ले लेता था, टीचर को बता सकता था, कुछ भी कर सकता था. अब ऐसा करने से वो डिफिकल्टी फेस करने में बिल्कुल स्किल आती नहीं है. दूसरा क्या है, वी ओवर रिएक्ट टू द सिचुएशन. बच्चा रोते रोते घर आता है स्कूल से,
क्या हो गया? टीचर ने डांटा, चलो मैं कल टीचर को मिलने आता हूं। टीचर को मिलेंगे, प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे। बच्चे को लगता है कितनी बड़ी समस्या हो गई है शायद कि मेरे पेरेंट्स ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। वो बच्चा कभी भी क्या मेरी गलती थी, एक्चुअली क्या सिचुएशन थी, वो समझ ही नहीं पाएगा। देन वी ट्रीट आवर किड्स लाइक रोबोट्स। यू नो रोबोट्स जो होते हैं ना, उनको इतना परफेक्ट टेक्निकली बनाया जाता है ताकि वो जो अपने काम जो है अपना वो बिल्कुल परफेक्टली कर पाए। हम अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्कूल में तो बेस्ट ही होना चाहिए, डांसिंग तो ऋतिक रोशन जैसा ही आना चाहिए, सब एक्टिविटी में भी अव्वल रहना चाहिए। ये परफेक्शनिज्म, इट अंडरमाइंस रेजिलियंस, क्योंकि बच्चा कोई भी दिन ट्राई करने से डरता है, मेरे परफेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देन वी प्रेज ओनली द आउटकम। स्कूल में, घर में, समाज में बच्चा देखता है कि जो अचीव करते हैं, कुछ पाते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है। वो बच्चा जो उसका खुद लगता है कि वजूद ही नहीं है, अब ये जो चीज है उसमें दो चीज हो सकती है। एक तो उसका कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो नींव है रेजिलियंस की, वो कम हो जाता है। या तो फिर वो बच्चा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ गलत चीजें करता है, जैसे मिसबिहेव करेगा क्लास में, वायलेंस पे उतर आएगा, कुछ ना कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के भोग बन जाता है। देन वी ट्राई टू सॉल्व चिल्ड्रंस प्रॉब्लम बाई गिविंग ऑल द आंसर। बच्चा नीचे से रो रो के आता है, मम्मी देखो ना वो लोग मुझे टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। मम्मी क्या करेगी, चलो मैं आती हूँ। नीचे उतर के, ये क्यों बच्चे हैं, मेरे बेटे को नहीं खिलाते हो? अब छोटे बच्चे हैं, पेरेंट कोई आएगा तो डर के भी उसे ले लेगा। अब ये बच्चा कभी भी छोटी सी भी डिफिकल्टी हुई तो मम्मी के पास आएगा, खुद टैकल नहीं कर पाएगा। एंड देन हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बेहतर से और बेहतर बनाएं, तो हर बार हम उनकी जो भी कोशिश होती है उनको क्रिटिसाइज करते रहते, ये थोड़ा सा अच्छा किया होता तो अच्छा था, बहुत अच्छा पिक्चर बनाया है, और कुछ नहीं देखते। पहला ध्यान कहाँ जाता है, ये वैसे तो अच्छा है, ये लाइन के बाहर कलर नहीं गया होता तो और भी अच्छा था। ये जो चीज है क्रिटिसाइज एफर्ट, ये बच्चा दूसरा एफर्ट करने से रुक जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें रेजिलियंस के लिए? सबसे पहले तो उनको अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करने दो। एक दो तीन दिन का बच्चा होता है ना, उसको उल्टा सुला के देखना, वो अपना हेड टर्न कर लेगा ताकि उसका नाक बंद ना हो जाए। इतने छोटे बच्चे में भी रेजिलियंस है, लेकिन हम उसे डिफिकल्ट सिचुएशन बिल्कुल टैकल करने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट योर किड्स थिंक अबाउट द इमोशंस। बच्चा स्कूल से आता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कंपटीशन में क्या रिजल्ट आया, और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाओ तो लंच बॉक्स का खाना दिया था, वो खाया कि नहीं। कभी हम ये पूछते हैं कि मैंने जो लंच बॉक्स में तुमको सब्जी बना के दी थी कैसी लगी, और क्या एंजॉय किया पूरे दिन में तुमने, कौन से क्लास में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट किया, पूछते हैं। फ्रेंड्स के साथ क्या एंजॉय किया, कभी नहीं पूछते। इसलिए बच्चे को लगता है कि जो इमोशंस है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टू मैनेज इमोशंस इज नॉट अ बिग और इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो क्या करते हैं, इमोशंस को कर्व करते रहते हैं, और जब उसे मैनेज करने की घड़ी आती है तो उसके पास स्किल नहीं है, ठीक है। देन अलाउ योर किड्स टू फील, दैट इज वाई अलाउ योर किड्स टू फील द इमोशंस। हाँ, बच्चे का खिलौना टूट जाता है, हम लोग क्या करते हैं, अरे बेटा तू क्यों रोता है ना, मैं दूसरा खिलौना ले आऊंगा, इससे भी अच्छा। अब ये बच्चा खिलौना, अपनी फेवरेट चीज खोने का जो फीलिंग है वो फील ही नहीं कर पाता, इसलिए जिंदगी में कोई लॉस आता है तो ही कैन नॉट हैंडल दैट लॉस। देन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड हेल्प देम टू ओवरकम देयर वीकनेस, क्योंकि द रेजिलियंस इज एक्चुअली बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ। हाँ, बच्चे की पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके पास लिस्ट ऑफ कंप्लेन होती है, ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, पूरे दिन मोबाइल पे रहता है, कुछ सुनता नहीं है, खाना नहीं खाता है। जब पूछेंगे कि आपके बच्चे में अच्छी बात क्या है, दे टेक सम टाइम टू थिंक, जल्दी से नहीं आती, क्योंकि हम लोग बच्चे की अच्छाइयाँ देखने का थोड़ा सा मुहावरा
नहीं होता हमारा. देन बच्चा जब भी एफर्ट्स करता है तो उनके यू नो जो भी एफर्ट्स है उसे प्रेज करें. एक बहुत अच्छा वाक्या बना था मेरे साथ. मैं रास्ते पे खड़ी थी, स्कूल बस आई, उसमें से एक लड़की उतरी, बच्ची का थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ था, उसका फादर उसे लेने आया था. वो फादर उसे पूछा कि बेटा क्या हुआ. शी सेड के आज जो इलोक्यूशन था ना तो मैं अच्छी स्पीच नहीं दे पाई. अब फादर का रिएक्शन सुनने जैसा है. सबसे पहला था, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आपने बहुत ट्राई किया था, बहुत मेहनत की थी, एक्नॉलेज द इमोशन. दूसरा रिएक्शन, बेटा आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे. यही कोई 800. और स्टेज पे कितने बच्चे बोलने गए थे. 5. अब फादर ने बताया कि देखो बेटा, 800 में से 795 बच्चे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टेज पे जाके बोले. आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम स्टेज पे जाके बोलने की कोशिश की. अगर हम बच्चों के एफर्ट्स को प्रेज करेंगे तभी वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, तभी दूसरा एफर्ट्स करेगा ना. देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एवरी पेरेंट्स शुड गिव टू द चिल्ड्रन, के मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. दुनिया में एक भी सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसने कभी मिस्टेक नहीं की हो या फेल नहीं हुए हो. आप मिस्टेक नहीं करते हो, फेल नहीं होते हो, इसका मतलब आपने ट्राई ही नहीं की. ठीक है, तो मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड फेलियर आर टेम्पररी. फेलियर आपके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाला है. आप उसमें से क्या सीखते हो वो सीख आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी और दूसरा फेलियर आने से रोकेगी. दूसरा है, बच्चे अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं. हाँ, हम उनके साथ रहें, उनको अलग अलग ऑप्शंस दिखाएं, उसकी रियलिस्टिक पिक्चर दें. एक बेटा बच्चा है, वो दूसरे दिन उसका होमवर्क सबमिशन है, मदर को मालूम है होमवर्क नहीं हुआ है, और ये बच्चा खेलने जाना चाहता है क्रिकेट. उसकी क्या कैलकुलेशन है कि मैं खेल के आऊँगा, बाद में होमवर्क कर दूंगा, या तो फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसमें होमवर्क कर दूंगा. अभी माँ को मालूम है कि ये नहीं होने वाला है, वो उसे रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है. बाद में भी अगर उसका चॉइस ये है कि मैं खेलने जाऊं तो जाने देना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन जब इनकम्प्लीट होमवर्क लेके वो स्कूल जाता है तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके होते हैं वो फेस करने दो. जब वो फेस करेगा तो दूसरा डिसीजन लेने के पहले वो सोचेगा कि आई एम अकाउंटेबल एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन विच आई टेक. हम लोग क्या करते हैं, रात को बैठ के डांटते हैं, बबड़ते हैं, लेकिन बाद में होमवर्क कंप्लीट करके दे देते हैं. मैनी ऑफ द पेरेंट्स, वो कभी नहीं सीखेगा. देन प्रेज योर चिल्ड्रन मोर देन यू करेक्ट देम. हम पूरे दिन एक ही बात करते हैं, वो मत करो, ये मत करो, ये गलत है, बहुत ज्यादा करेक्शन आता है. जब हम बच्चे को ये बताते हैं कि विन और लूज, वी आर प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स, वी आर प्राउड ऑफ यू. ये डॉक्टर केतन भाई ने मॉर्निंग में जो बताया कि इमोशनल रिमोल्डिंग होता है ब्रेन में, ये रिमोल्डिंग का ये एंकर है, ये फीलिंग. बच्चा क्या सोचेगा, मैं एफर्ट्स करता हूं, करके देखता हूं, अगर जीत गया तो जीत तो मेरी है ही, अगर हार गया तो भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है. तो पूरी जिंदगी वो जो बॉन्ड है, वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर बच्चा पूरी जिंदगी रेजिलियंट रहेगा, ट्राई करते रहेगा, गिरने पर डिस्टर्ब नहीं होगा. देन बी सपोर्टिव, लिसन टू देम, उनकी जगह पे अपने को रख के उनको सुनो. बच्चों की आधी बातें हम लोग सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये छोटे हैं, उनकी कोई इतनी छोटी छोटी बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती. एक्चुअली क्या है, जब वो हमें पूरा बता देते हैं और हम एम्पथेटिकली सुनते हैं तो दो चीज होती है. पहला कि हमें उनकी एक्चुअल फीलिंग का पता चलता है और वो खुद वो फीलिंग की पूरी प्रोसेस है, इमोशन की पूरी प्रोसेस है, उसमें से पास होते हैं. तो दे अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीलिंग्स एंड हाउ टू यू नो डील विद देम. एंड दूसरा क्या होता है, दे वेंट आउट एवरीथिंग, दे बिकम फ्रेश, बिल्कुल खाली हो जाते हैं और दूसरी चैलेंज के लिए तैयार हो सकते हैं, फ्रेश माइंड से सोच सकते हैं. उतना ही नहीं, जब दूसरी बड़ी गड़बड़ करेंगे तो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे बेझिझक, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स मेरी बात सुनेंगे, और नॉट ओनली सुनेंगे, समझेंगे.
ठीक है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. पूरे यू नो दुनिया में ये रिसर्च हुआ है. बच्चा जब सोने जाता है तो पूरे दिन में जो भी चीज हुई है, जो भी सर्कमस्टेंसेस फेस किया है उसने, वो सब फीलिंग्स लेके सोने जाता है. हाँ, उसमें डिस्टर्बिंग होता है, इंसल्ट्स होती है, सैडनेस होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड एक्सट्रीम हैप्पी मोमेंट्स भी होती है. लेकिन ये जो फीलिंग्स है वो लेके सोने जाता है. उसमें से उसे सबसे बड़ी पिंच करने वाली जो चीज है वो पेरेंट्स के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट्स. ये पूरे यहाँ पे 200-250 लोग बैठे हैं, उसमें से एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें पेरेंट और बच्चे का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हो ऐसे है ऐसा घर कोई? एवरी डे प्रोबेबली मल्टीपल टाइम्स देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन अ चाइल्ड एंड द पेरेंट. अब बच्चे को इसका सबसे ज्यादा असर है. जब रात को बच्चा सोने जाता है तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, गो टू द चाइल्ड. और कुछ नहीं करना है, जाके इतना ही बोलना है कि आज जो हुआ बेटा, प्रोबेबली मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकता था. आई एम सॉरी, मैं दूसरी टाइम ये याद रखूंगा. यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करना है, तू गलत था, मैं गलत था, क्या नहीं, कुछ भी नहीं. जस्ट टेल दिस. बच्चे का फेस देखना है, इतना रिलीफ फील करेंगे. फिर भाड़ में जाए दुनिया, कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है. दूसरे दिन वो इतना कॉन्फिडेंटली उठेगा कि आने दो नई चैलेंज, लेट मी सी. ठीक है. एंड फाइनली बी अ रोल मॉडल. अगर हम रेजिलिएंट नहीं है तो अपने बच्चों को रेजिलिएंट कभी नहीं बना पाएंगे. तो सबसे पहले हमारा रेजिलिएंस होना जरूरी है. तो टू कंक्लूड, अवर चिल्ड्रन दे आर बॉर्न विथ रेजिलिएंस. इट इज इन अवर हैंड्स वेदर टू नर्चर इट, टू फ्लॉरिश इट और टू मेक देम द वीक किड्स. तो चलो आज डिसीजन लेते हैं. हम देखेंगे कि वो जो 5-6 क्वालिटीज थी बच्चों में, वो क्वालिटीज को निखारने में हम उन्हें कितनी मदद कर सकते हैं. थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू मैडम. योर चिल्ड्रन नीड मोर योर प्रेजेंस देन योर प्रेजेंस. जब रेजिलियंस की बात आती है तो हमारा समय बहुत ही कीमती है बच्चों के लिए. हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर आरती मेहता, जो बाय प्रोफेशन साइकियाट्रिस्ट हैं, लोगों के दिमाग ठीक करते हैं, डायरेक्टर ऑफ सोच इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, इंचार्ज ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड द चाइल्ड गाइडेंस सेंटर. उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और समस्याएं और सीक्रेट ऑफ लर्निंग में वो एडिटर थे. उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन या उनका स्पेशल सब्जेक्ट या तो जो प्रवक्ता हैं वो योलो है, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम में उनका बहुत ही महत्व का कंट्रीब्यूशन है. और आज तक उन्होंने 20 से 25 से ज़्यादा सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम अलग अलग कम्युनिटी में दिए हुए हैं. सो आज वो हमसे बात करेंगे ABCD ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सभी लोग सुबह से आपको आंख बंद कराते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं. हम कुछ अलग करेंगे दो मिनट के लिए. आई वोंट टेक मच टाइम केतन भाई. सबसे पहले आपके किट में दो कागज दिए हुए हैं, कलर्ड पेपर है, एकदम फटाफट करना. उसमें आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या लगते हैं वो सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स लिखो, एकदम जल्दी. हाँ, मेरे में से टाइम कट रहा है. ये सब 2 या 3 वर्ड्स आप किसको बोलते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और ये वर्ड्स लिख के आप उसको पूरा ऐसा बॉल बना दीजिए. गुजराती में जैसे डूचो कहिए ना, थेम, राइट. और वो अपने पास रखो. 2 या 3 कोई भी कलर के होंगे, स्क्वायर होंगे, 5x5, और किसी और पे भी लखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. या सेम. हरी अप. डिफिकल्ट एंड आई डोंट वांट टू गो टू ट्रैक. ये जो म्यूजिक बजेगा ये लोग भी एक्ट डांस करेंगे, आप कर सकते हैं, राइट. इट्स ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स के बाद जो भी वो डूचा आपने बनाया है वो आपके किसी भी ऐसे टीचर को याद करना कि यार इसको मारना था मुझे, और याद करना, राइट. ऐसे मत मारो, जोर से लगा देना, राइट.
और एक ही शर्त है, जैसे हमारा लंच ब्रेक पड़े उसके बाद जो भी ऐसे कागज के नीचे पूरे हॉल में हो वो हम खुद उठाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अग्रीड? ओके, चलो फाइन। आगे का सेंसर है आगे का बहुत ही सेंसर है, इसलिए बंद करवा दिया। 1 2 3 थ्रो थ्रो। अरे यार, किसी का मेरे तक नहीं पहुंचा। सो आज मेरा टॉपिक है ABCDE ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वैसे तो हम साइकियाट्रिस्ट लोग बहुत मशहूर है, यहाँ 2-3 साइकियाट्रिस्ट है, निमिषा बहन, ईला बहन, कि हम सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने में बहुत ही होशियार है। बड़े बड़े नाम देना, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बोलना, फिर सोचा कि चलो ये इम्प्रेशन कुछ ब्रेक करें और आज कुछ सिंपल बना दें, राइट? सो वी प्रिपेयर्ड अ टॉपिक ऑन ABCDE ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये सचमुच ABCDE है, क्योंकि जैसे अल्फ़ाबेट्स इज बेसिक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, इसी तरह दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बेसिक टॉपिक। समंदर जितना टॉपिक है, मुझे आपको चुल्लू भर देना है, चुल्लू यानी रका भी, राइट? बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे, एंड दिस इज रियली इन सेंस ABCDE, लेकिन ए फॉर एप्पल या बी फॉर ब्लैकबेरी नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी ए फॉर एकेडमिक प्रॉब्लम्स, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डी डेवलपमेंटल इश्यूज, एंड ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल इश्यूज। पेरेंट्स की जब हम कंप्लेन सुनते हैं ना, तो उनको ज़्यादातर इस 5 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं हम फिट कर सकते हैं, तो इसको एक हम बेसिक डिविजन कह सकते हैं। फॉर कैटेगराइजेशन ओके, हम अलग कह सकते हैं कि ये एकेडमिक प्रॉब्लम है, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि ये सभी इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है, एक दूसरे को लेके आता है, एक के साथ एक नहीं, एक के साथ दो भी कभी कभी आ जाते हैं। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, और जब हम कंप्लेन सुनते हैं ना पेरेंट्स की, तो कैसी कंप्लेन करते हैं बच्चे के बारे में? पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, गुस्सा बहुत करता है, बराबर? ब्लेमिंग एटीट्यूड रहता है हमारा, ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा नहीं करता। लेकिन हम कब ऐसा सब कभी भी हमने सोचा है कि ये बच्चा ये सब क्या जानबूझ के कर रहा है? कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसको जानबूझ के एग्जाम में कम मार्क्स लाने हैं? ऐसा नहीं होता, राइट? देर आर डेफिनेटली सम रीजन्स बिहाइंड दिस कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है या क्यों कुछ नहीं कर रहा है जो ज़रूरी है उसके लिए, राइट? तो वी नेवर गिव अ थॉट के भी क्यों ऐसा, वाई, देर आर ऑलवेज सम रीजन बिहाइंड इट। और इस रीजन्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट इश्यू, बच्चा उसकी उम्र के हिसाब से कुछ बिहेव करेगा, पर वो उसकी उम्र के लिए नॉर्मल है। मेरी ग्रैंड डॉटर है, 2.5 साल की हुई, तो मेरी बेटी की जो फ्रेंड्स होती है ना, वो हमेशा के मुझे बताती है, आंटी मेरा बेटा इतना हाइपर एक्टिव है। वो मेरा कितने साल का हुआ यार? 1.5 साल का हुआ। अभी 1 साल का बच्चा अभी सीखने लगा है, उसको पहली बार इंडिपेंडेंस का एहसास हुआ है, उसको ज़रूरी नहीं है कि अब उठ के लेके जाओ। वो बच्चा एक्सप्लोर करेगा, दौड़ेगा, चलेगा, गिरेगा भी सही, यू कैन लेबल देम एज प्रॉब्लम्स। सिमिलरली 6-7 साल की मम्मी बच्चे को लेके मम्मी आती है तो कहती है कि डॉक्टर उसको देखो, वो पढ़ाई की सीरियसनेस ही नहीं है उसमें, या मुझे तो 15 साल तक नहीं आई थी। 6 साल का बच्चा क्या समझेगा मार्क क्या है, एग्जाम क्या है? हम गलत एज पे गलत एक्सपेक्टेशन करते हैं, और आजकल नई जनरेशन के पेरेंट्स को तो ये सब साइकोलॉजिकल वर्ड्स यूज करना इतना मजा आता है, दे सिंपली लेबल द चाइल्ड, मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, लेट मी डिसाइड व्हाट इट इज, आई मीन। अच्छा, कभी कभी, अच्छा एक बात मैं आपको पूछती हूँ, कभी आपने ऐसा 4 महीने का बच्चा है, अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो चला सकोगे? क्यों नहीं चला सकोगे? मेरे कोर्स में है, मुझे चलाना ही है, चला पाओगे? लेकिन मैंने तय किया है ना, मेरा करिकुलम है ये,
क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि ये बच्चे की मेच्योरिटी, मसल, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ है. सिमिलरली हम जब बच्चे को 2 साल 2.5 साल में स्कूल भेज देते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कूल वाले राइटिंग करवाने लगते हैं 2.5 साल के बच्चे के पास, और वो भी कर्सिव. मैं आज तक नहीं लिख पाई कर्सिव, राइट? और देन क्योंकि इसके पीछे भी वजह है, जैसे 4 महीने का बच्चा नहीं चल सकता, 2.5-3, 3.5 साल का बच्चा नहीं लिख पा सकता, उसकी डेवलपमेंटल मेच्योरिटी ही नहीं है, उसकी ये पिंसर ग्रिप जो बोलते हैं और अदर प्री एकेडमिक स्किल्स, दे आर नॉट डेवलप्ड. पर फिर भी पेरेंट्स और टीचर्स इतने लग जाते हैं उसके पीछे. और ये गलत एज पे अगर आप गलत चीज़ का दबाव डालोगे तो वैसे ऐसी ही हालत होने वाली है बच्चों की. ही इज़ गोइंग टू हेट हिज स्टडीज. और फिर 5 साल के बाद आओगे कि इसको ही डजंट लाइक स्टडिंग. कैसे लाइक करेगा बच्चा, राइट? सिमिलरली बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो थोड़ा बहुत रोतल हो जाता है, चिड़चिड़ा होता है, स्कूल जाने से डरता है, यू नो, सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है. तो दीज आर वेरी नॉर्मल सिचुएशंस. देख, चिल्ड्रन ग्रो आउट ऑफ इट, बट हमें, हमारी इतनी पेशेंस ही नहीं रहती कि हम उसको समझ सके. टीनेजर्स एज अप्रोप्रिएट है, गुस्सा होना, इमोशनल होना, मूड स्विंग्स आना. 16 साल के लड़के को लड़की अच्छी लग जाती है तो पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, यार वो लड़की के पीछे उसको बहुत अट्रैक्शन हो गया है. मुझे लगता है कि आई थिंक पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि अरे भाई खुश हो कि वो 16 साल के लड़के को लड़की अच्छी आई, टेंशन तब करना अगर उसको लड़का पसंद आ गया है, राइट? पेरेंटल एक्सटर्नल, सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज इज एक्सटर्नल फैक्टर्स. काफ़ी केतन भाई ने, स्वाति बहन ने घर का माहौल, स्कूल का माहौल, ये बारे में अच्छी बात की है. आई डोंट वॉन्ट टू ऐड एनीथिंग, बट एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेजर स्ट्रेस इन द फैमिली, सडन डेथ्स, लंबी इलनेस चलती है, या ऐसी कोई भी हादसा होता है, तो उसके बच्चों के साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट पड़ती है. सिमिलरली सेक्सुअल एब्यूज, रेप, सिवियर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके पीछे. एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, बच्चे आज सोते ही नहीं है. व्हाट्सएप पे देखो लास्ट सीन 2:42 रात को. क्रोनिक स्लीप, स्लीप खत्म उनकी पूरी नहीं होती, इरेटिक स्लीप आवर्स होते हैं. एंड क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज टू प्रिडिस्पोज फॉर एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. बीमारी भी हो सकती है अगर लंबे अरसे तक आपकी स्लीप सही नहीं हो. एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दिखने ही नहीं देते, ऐसा सीन ही नहीं दिखने देते, इसलिए आपको सबको उठाया. ओनली फिजिकल एक्टिविटी नहीं, गेम्स नहीं, घर का भी जो सिंपल रिपीटेटिव बोरिंग काम होता है ना, वो भी जरूरी रहता है बच्चों को साइकोलॉजिकली स्टेबल करने के लिए. मेडिकल इलनेसेस, कोई भी मेडिकल बीमारियां बच्चे की साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है. और वो आज बच्चा बीमार पड़ा है ऐसा नहीं, वो माँ की गो पेट में था तब से उसकी फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. पैदा कैसे हुआ, बाद में क्या बीमारी आई, प्रीमेच्योर आया, राइट, हेड इंजरी हुई, हार्मोनल चेंजेस, कुछ डिसऑर्डर हो गए, राइट, सर्टन मेडिसिन ऑल्सो. ये सभी मेडिकल इलनेसेस भी कभी कभी साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस करती है, या फिर साइकोलॉजिकल, ये दे एग्जैक्टली मिमिक लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच एट टाइम्स वी मिस. अगर ये सभी तीनों सिचुएशन जो हमने रीजंस देखे, यूजुअली अपने आप सही होते हैं, लेकिन अगर माहौल सही करने के बाद, बाकी सब फैक्टर्स कंट्रोल करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम्स इंटेंस रहे, बहुत रिपीटेटिव रहे, या फिर बच्चों की ओवरऑल सोशल, एकेडमिक, सब लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करे, तब ये खतरे की घंटी दिमाग में बजनी चाहिए कि दिस इज नॉट समथिंग एज अप्रोप्रिएट और सिचुएशन अप्रोप्रिएट. लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी मानसिक बीमारियाँ. एडल्ट के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में काफ़ी जानकारी समाज में है अभी. वैसे भी दीपिका पादुकोण ने जब डिप्रेशन का उसका इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, तब से तो लोगों को नाउ दे आइडेंटिफाई विद दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण को था ना ऐसा ही मुझे है, राइट? सो लेकिन बच्चों में भी ये तकलीफ है, वो हम नहीं समझना चाहते हैं. ये बच्चों में भी मानसिक बीमारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल शॉर्ट लास्टिंग सेल्फ लिमिटिंग सिम्टम्स, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग इलनेसेस, डिसऑर्डर्स. और ये डिसऑर्डर्स ए बी सी डी ई, उसमें से कोई भी किस्म की एक या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं. तो अभी ऐसा अच्छा रहेगा कि आई डिस्कस ओनली फ्यू डिसऑर्डर्स और उसमें कैसे
क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रॉब्लम्स वो हम देखेंगे। और एक बात इससे पहले सब समझ लेना ज़रूरी है कि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत चिंता करते हैं, अच्छी बात है। एकेडमिक्स को ही हमने पूरा लर्निंग बना दिया है, लेकिन एकेडमिक्स इज़ नॉट लर्निंग। लर्निंग एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारी स्किल्स आती है। एकेडमिक्स पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, इट्स ओनली वन ऑफ देम, राइट। और साइकेट्रिक बीमारियाँ की बहुत सारे रीजंस है। यूजुअली लोग ऐसा मानते हैं कि मानसिक बीमारी यानी कि वो खुद जानबूझकर कर रहा है, अरे क्यों ऐसा सोच रहा है, अरे क्यों ऐसा कर रहा है, नहीं, दे डोंट डू इट पर्पजली। देर आर न्यूरो डेवलपमेंटल जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द ब्रेन। जेनेटिक्स भी हो सकती है, विरासत में सिर्फ सोना चांदी गहने नहीं मिलते, बीमारियाँ भी मिलती हैं, वो भी मानसिक बीमारियाँ। एंड बायोकेमिकल चेंजेस, आपको याद है केमिकल लोचा, वो मुन्ना भाई MBBS वाला, एब्सोल्युटली करेक्ट, केमिकल लोचा ही सही होता है कभी कभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो IQ, यूजुअल IQ 90 to 110, बिलो 69, दिस आर बच्चे हम मंद बुद्धि वाले बच्चे बोलते हैं, और उनका पूरा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है। बच्चा सब कुछ देर से सीखता है, बैठना, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, काफ़ी चीज़ों में वो खुद का काम करना, इस सभी में पीछे रहता है। ऐसे इसको सिर्फ मूव पे, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे दिखने वाले बच्चे ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल दिखने वाले बच्चों भी मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, वो जब IQ टेस्ट करते हैं तभी उनका पता चलता है। एंड वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन, जिसका फेशियल फीचर्स ऐसा है, उनका IQ नॉर्मल भी हो सकता है। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, लर्निंग डिसऑर्डर, ये एक बड़ी बीमारी, अच्छी काफ़ी वेल नोन बीमारी है, जिसको हम डिसलेक्सिया भी पहले जानते थे इसके नाम से। आमिर खान ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई तारे जमी पर, राइट, बराबर। वो पिक्चर देखो जब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। बेसिकली देर आर 3 प्रॉब्लम्स, रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, रिटन वर्क में प्रॉब्लम होता है, मैथ्स एंड अदर सिम्टम्स। लेकिन इसमें बच्चे की IQ एब्सोल्युटली नॉर्मल रहती है, बच्चों को एजुकेशन भी दिया गया होता है, लेकिन उसकी उम्र, उसकी एजुकेशन, उसकी कक्षा, उसके हिसाब से उसकी लर्निंग स्किल्स नहीं डेवलप हुई होती है। एंड माइंड वेल, इट इज़ नॉट एकेडमिक डिसऑर्डर, इट्स अ लर्निंग डिसऑर्डर। सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक प्रॉब्लम, बच्चे को खुद का काम करना, साइकिल चलाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, ये सभी चीज़ों में बच्चे को डिफिकल्टी होती है। रीडिंग डिसऑर्डर एट द नेम सजेस्ट, पढ़ के समझना वो बच्चे के लिए मुश्किल होता है। रिटर्न एक्सप्रेशन, हैंड राइटिंग्स बहुत बेकार होते हैं, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स, बच्चा कॉपी करके नहीं आता है स्कूल में से। ओरली सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छा देखा, लेकिन वही चीज़ वो लिख नहीं पाएगा। ऐसे काफ़ी सिम्टम्स रिटर्न एक्सप्रेशन डिसऑर्डर में होते हैं। मैथमेटिकल डिसऑर्डर, नेचुरली एज द नेम सजेस्ट, मैथ्स में डिफिकल्टी होती है। ये टीचर्स भी, आई एम रियली सॉरी टू से, देर आर सो मेनी टीचर्स, बट टीचर्स आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस डिसऑर्डर्स। और नहीं, बच्चा नहीं लिखता, नहीं करता, करना नहीं चाहता, आलसी है, लेजी है, ऐसे कितने लेबल्स लग जाते हैं। एंड द चाइल्ड इज रियली रियली स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि कोई उसके प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। वो कर सकता नहीं है, ऐसा नहीं है वो नहीं करना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसका प्रॉब्लम, पेरेंट्स नहीं समझ पाते, पनिशमेंट देते हैं, क्लास में से निकाल देते हैं, देन दे डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियरल, इमोशनल एंड अदर प्रॉब्लम्स। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD, राइट, देर आर वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। बच्चा बहुत चंचल होता है, बहुत इम्पल्सिव होता है, अभी ये करेगा दूसरी मिनट में कुछ और कर देगा, क्लास में बैठ नहीं सकता, राइट, क्लास में, पूरे क्लास में घूमता रहेगा, टीचर बोले उससे पहले वो जवाब दे देगा। दे हैव वेरी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, कोई जरा भी चिढ़ा है तो वो फिजिकली भी अग्रेसिव हो सकता है। दे आर इनअटेंटिव, ध्यान नहीं दे पाते, राइट, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देते, देर आर केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन विच लीड्स टू दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, एंड दे डेवलप लॉट ऑफ एकेडमिक प्रॉब्लम्स, अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंड कभी कभी LD और ADHD साथ में भी दिखने के लिए मिलते हैं। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगेन दूसरा अच्छा मूवी बॉलीवुड में बना था, नो, माय नेम इज खान, शाहरुख खान का बहुत कम पिक्चर अच्छे लगते हैं, दिस वाज वन ऑफ दैट, एंड बहुत अच्छा, उसको एस्पर्जर सिंड्रोम के उस काफ़ी सिम्टम्स दिखाए गए थे, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, बिहेवियर का प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं, पढ़ाई में दिक्कत आती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखती है जिसको हम सावंस कहते हैं, इडियट सावंस। इसमें वैसे बच्चा सभी चीज़ों में बहुत ही पीछे होता है,
लेकिन एकाद स्किल उसकी इतनी अच्छी होती है कि हमारा दिमाग हैरान हो जाए। वो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी आती है ना, उसको अगर वो एक बार एक पन्ना देखे तो पूरा नाम पूरा नंबर के साथ उसको पूरी डायरेक्टरी याद रह जाती है। दिस वॉज शोन इन हिंदी इंग्लिश मूवी रेनमैन, और वो एक बार देखता है उसको पूरी डायरेक्टरी याद, एक बार म्यूजिक की तरह सुनेगा ही कैन प्ले। ऑफकोर्स दिस इज वेरी लेस कॉमनली सीन बट इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। डिप्रेशन, डिप्रेशन एज एन डिसऑर्डर, आज मेरा मूड नहीं है दो घंटे के लिए, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, इट्स नॉट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दीज आर जस्ट टेम्पररी फीलिंग्स। लेकिन देर आर वेरी स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जिसको हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं, एंड माइंड वेल दिस इज द मोस्ट ओवरलुक डायग्नोसिस इवन बाय डॉक्टर्स, तो टीचर्स और पेरेंट्स तो कैसे डायग्नोज करेंगे, राइट? बच्चों में कभी कभी अलग थोड़े सिम्टम्स आते हैं। अनएक्सप्लेन्ड अग्रेशन इज एट टाइम्स द ओनली सिम्टम इन डिप्रेशन। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चा होशियार है धीरे धीरे बिगड़ गया एक डेढ़ साल में, राइट? स्कूल नहीं जाना चाहता, फ्रेंड्स के साथ मिलना नहीं चाहता, सुना सुना रहता है, राइट? एडिक्शंस करने लगा है, तो देर आर ऑल चांसेस दैट द चाइल्ड इज माइट बी हैविंग डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एंड देर आर केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन जो जरूरी है डिप्रेशन करने के लिए। डिप्रेशन कभी कभी मैनिया के साथ ऑल्टरनेट होता है, मूड एकदम सही हो जाए या एकदम डिप्रेस्ड हो जाए। देर आर मैनी सच साइकेट्रिक डिसऑर्डर, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? 5 मिनट्स, ओके। देर आर मैनी डिसऑर्डर्स विच आई विल जस्ट क्रॉल। एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज वेरी वेरी कॉमन इन बच्चों में, कॉमन है। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, चालू एग्जाम में उनको डर लग जाता है, पैनिक अटैक जैसे। दर्शना मुझे बताती है 5 मिनट्स तो आई एम अबाउट टू गेट एन एंग्जाइटी अटैक, क्या कैसे खत्म करूंगी बाकी की स्लाइड, राइट? सो देर आर मैनी सिम्टम्स। एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी है, घबराहट है, वो शारीरिक चिन्हों के माध्यम से बाहर आती है, और हम CBC से CT स्कैन तक सब कुछ करवा देते हैं टू अवॉइड, राइट? सो देर आर मैनी सिम्टम्स, आई विल जस्ट स्क्रॉल। वन इज इम्पॉर्टेंट इन यंग टीनेजर्स, एडिक्शंस। Addictions is much more common than you would like to believe in teenagers. And I'm not talking about only alcohol or tobacco. Or maa baba ni baat nahi karta apne. All serious types of addictions. Charas, ganja, marijuana, brown sugar, cocaine and what not. I mean. And see, that's a disorder. Mansik bimari hai vyasan, wo baad mein bigad nahi gaya hai. Right? Eating disorder, again, khud itni patli hai, phir bhi usko aisa hi lagta hai ki main bahut moti hu. मतलब हार्ड पिंजर जैसी बन गई हो वो लड़की, फिर भी उसको ऐसा लगेगा, एंड शी विल डू एनीथिंग टू रिड्यूस हर वेट फर्दर। खाएगी नहीं, और टाइम पे एक्सरसाइज करेगी और सब कुछ करेगी। अभी कभी कभी ज़्यादा खा लिया तो मुंह में उंगली डाल के वॉमिटिंग कर देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू न्यू थिंग्स, राइट? अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो डोंट जंप टू कंक्लूजन ऑफ डायग्नोसिस। इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस। वी नीड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड। डायग्नोस करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी पड़ती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेस्टिंग बच्चे को स्पेशल थेरेपी देनी पड़ती है। जैसे फिजियोथेरेपी के बारे में सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन देर आर स्पेशल एजुकेशन या रेमेडियल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देर आर नंबर ऑफ थेरेपीज विच आर नीडेड टू ट्रेन द एंड ट्रीट द चाइल्ड। एंड कभी कभी मेडिसिन भी देनी पड़ती है, राइट? बिकॉज देर आर सर्टन इलनेसेस जिसमें बिना मेडिसिन काम नहीं चलेगा। मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल है, मैनिया है, स्किजोफ्रेनिया है, वी हैव टू गिव मेडिसिन। नथिंग, नो काउंसलिंग वर्क कैन रिप्लेस मेडिसिन इवन इन एडल्ट और इन चिल्ड्रन, राइट? सो डायग्नोसिस स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ एटीट्यूड क्या है? वी आर हाईली इग्नोरेंट अबाउट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, बराबर? लेकिन फिर भी हम लोगों को तो एडवाइस देते हैं, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ डिप्रेशन विप्रेशन है नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद भी इग्नोरेंट है, फिर भी दूसरों को गाइड कर रहे हैं, वो अंधा अंधे को दो रहे हैं, ऐसी बात हो गई यहाँ पे, राइट? एंड दे डोंट रियलाइज के कैसे डेंजरस जोन में वो बच्चे को डाल रहे हैं, या फिर डिनाइल कर देंगे, नहीं नहीं मैडम दिखाने के लिए तो आ गए, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर डिटेल में हिस्ट्री निकालेंगे तो पता चलेगा कि 3 स्कूलों से तो ऑलरेडी वो बच्चा निकल चुका है, और फिर भी बोलते हैं अरे इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम चाहिए, या फिर विशफुल थिंकिंग हो जाता है कि चलो बड़ा होके अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा भाई, वो 10 साल का बच्चा है, उसकी दिमागी उम्र 5 साल है, तो वो कैसे सही होने वाला है? हाइडिंग, शर्म आती है हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने में, राइट? वी मेक ईच एंड एवरी अफोर्ट कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, राइट? वाई सच एटीट्यूड्स? क्योंकि बीमारियाँ हमेशा पैकेज में आती है, बाय वन गेट वन,
फिजिकल बीमारी है तो बहुत सिंपथी मिलेगी, अरे यार पानी मांगो तो जूस दूध सब हाजिर हो जाएगा. इफ यू आर हैविंग अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इट कम्स विद अ स्टिग्मा. मानसिक बीमारी है उसको, माय गॉड अरे भी क्या है, जैसे फिजिकल बीमारी है ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है. और ऐसा हम भूल जाते हैं कि ऐसे सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो दे आर गोइंग टू क्रिएट सिवियर प्रॉब्लम्स एज द चाइल्ड ग्रोज अप. क्योंकि मैंने बताया ये पांचों प्रॉब्लम इंटरलिंक्ड है और वो बच्चे की एकेडमिक कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबको इतना बड़ा मुक्का मिलेगा दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू बी शैटर्ड. उसकी पर्सनैलिटी, उसका भविष्य, उसको हम बिगाड़ देते हैं. वेन द चिल्ड्रन ग्रो अप दे बिकम हाईली डिस्टर्ब, हाईली abnormal, unstable adults. And it is easier to raise stronger children than to repair this type of adult broken man. And hamara to mission hai na, peace chahiye hame. When the childhood is shattered into pieces, how can you achieve peace? Hame pata hi nahi hai ki ye bacche ka bachpana, uska bhavishya hum tukdon mein bikhar dete hain. And this journey of pieces to peace is going to be extremely difficult. And sometimes it is impossible. So we must see to that कि हम बच्चों की psychological problems को identify करें, सही तरीके से उनको guide करें, तो हम बच्चों के बचपन को बिखर देने से बचा पाएंगे. बहुत ऐसी सयानी advice सबको मिल जाती है, right? अरे be positive, ये depression विप्रेशन कुछ होता नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, get over it. या ऐसी सलाह हम मुफ्त में बांटते ही रहते हैं because we all are inborn advisors. कभी कोई कैंसर के पेशेंट को, पैरालिसिस के पेशेंट को कहते हो ऐसा, अरे कुछ पैरालिसिस है नहीं चलो उठो. टाइफाइड कभी पेशेंट को बोलते हो? नहीं, क्योंकि हमें पता है ये बीमारी है, राइट. एंड दिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो इलनेसेस. एक बात समझनी है कि ये बीमारियां जब होती है तो आप अपने बिहेवियर थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज द टाइम we have to be aware about psychological problems. please wake up. aapko khud ko bhi samajhna hai psychiatric bimari kya hai aur you have to spread this awareness in the society. to shayad kisi bachcho ki zindagi mein hum ujas la sakenge. never give such advices ki ye kuch karna mat. aur agar aapko koi aisa kahe ki ye aap aisa kuch treatment ya training ki zarurat nahi hai to please don't follow it. You will be doing irreparable damage to the child and its future, and you will be shattering the childhood into pieces. ऐसी जो सलाह देते हैं ने गुजराती में शू कहवाय खबर छे, बस आ छेल्लू डोडापण कहवाय ने, बराबर. ये बहुत अच्छी चार पंक्तियां हैं. आई विल टेक लिबर्टी टू स्पीक इन गुजराती. कि आवी सलाहकारों जे आपने सलाह आपे ने एनाथी शू थाय छे. सलाहकारों नी सलाह भारे जोखमी छे. सलाहकारों नी सलाह भारे जोखमी ने पेशंटोनी तो थई जाय छे आड़ी अवड़ी ऊंधी गति. पागलपणा ने नाथवानी तो केटली सरस दवाओ जड़ी गई कवि, बराबर. पागलपणा एटले तो अमारो ट्रेडमार्क, अमे पागलोना डॉक्टर कहेवाईए. पागलपणा ने नाथवानी केटली सरस दवाओ जड़ी गई कवि, पण आ एक दोड़दापण ने नाथवानी एकेय दवा ना जड़ी आज लगी. थैंक यू.